सुपौल बिहार मोहम्मद रहमतुल्ला की रिपोर्ट। सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड के मोहासिमिर पंचायत के सिंगियावन गांव के वार्ड नंबर 1 में जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठीफर्से से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 13 लोग जख्मी हैं। हालांकि जख्मी का इलाज सुपौल सदर अस्पताल में चल रहा, वहीं किशनपुर थाने की पुलिस मामले की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। दरअसल जानकारी दे दें कि सिंगियावन गांव के वार्ड नंबर 1 में जमीन विवाद को लेकर बुधवार की सुबह पवन यादव और डोमी यादव के बीच हिंसक झड़प हो गई। वहीं पवन यादव के परिवार वालों में 5 पुरुष 2 महिला जख्मी हुए। वहीं दूसरे पक्ष के डोमी यादव के परिवार वालों में 2 पुरुष 4 महिला जख्मी हो गए। वहीं दोनों पक्षों में 13 महिला पुरुष जख्मी होने के उपरांत पहले तो उनके परिजनों के द्वारा किशनपुर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां ये चिकित्सक के द्वारा बेहतर इलाज के लिए सुपौल सदर अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां 13 जख्मी का इलाज जारी है। इधर एक पक्ष का कहना है कि रास्ता विवाद को लेकर ही मारपीट पहले पक्ष ने किया, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प की गई। हालांकि चिकित्सक के द्वारा सुपौल सदर अस्पताल में 13 जख्मी का इलाज जारी है। बहुत लोग जख्मी भाग लेने की वजह से रहे कई 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 की गले भाजी आप क्या हुआ था, कैसे मारपीट हुई? राम के लागले बोला को वना था सर के से मेरा बड़ी नीचे करा ले करा ले ये से की के जवाना राम करे के नहीं है तब वना राम का दरिया चला देना। तो मारपीट के कारण की छे? वह कारण जो उठना कर चुकिया हटे रास्ता पर डगर पर करची रहे आ हटा दलिए रहे गाड़ी जाय वाला रास्ता पर करची रहे हटा दलिए रहे वही रास्ता के विवाद को लेकर ही भले हैं झगड़ा वही भले तो ओकरा खुट्टी रास्ता बगा रहे दबिया रहे हाथ में हमरा आर के एकटा गेले ना तो कहले कि सब के ओना लम गेले या लड़े के आले मार ले सब को बड़ा बड़ी बना छुछे दबे ले आहा के परिवार के क्या गो लोग जख्मी भले हैं? 5 लोग जख्मी छे हमरा या हमरा पत्नी का बच्चा सब घर पर चोट लागल। पेशेंट का हालत तो इसमें एक रोगी थोड़ा जख्मी है ज़्यादा गंभीर रूप से, तो उसको तो रेफर कर दिए हैं, रिकरेंट वोमिटिंग हो रहा था, बाकी सबको भी मार लगा है, अच्छा खासा मार है। और ये लोग ग्रुप बांध के एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को मारा है, जमीन जगह का कोई विवाद था सिंगियावन गांव का, और वही लोग मारपीट करके आज सवेरे किशनपुर पहुँचे और फिर वहाँ से सबको जाँच पड़ताल के लिए हायर सेक्टर में जा गया। फिलहाल यहाँ इलाज जारी है? अभी इलाज जारी है और सबको सीटी स्कैन वगैरह जिसको जिसको नीड था लिखा गया है, जिसको जो नीड था, और रिपोर्ट आने के बाद अब ज्यादा कुछ कर पाएंगे, इसके बारे में अभी कुछ नहीं ज्यादा बोल पाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।